हमारे रिसेप्शन के बाद नेक्स्ट डे मॉम भाई एंड स्वीमी तो घर वापस चले गए और उस दिन तो एकदम लेजी लेजी बीता। लेकिन शाम को मैंने हमारे फर्स्ट नाइट के लिए बहुत ही सुंदर से रूम डेकोरेट किए, यू कैन सी, एंड ऑब्वियसली आई एम द रोमांटिक वन, तो सारा चीज़ें मैंने ही तैयार किया। बंगाली में फुल शौजा मतलब फर्स्ट नाइट के लिए शगुन आता है, हम दोनों के लिए नए ड्रेसेस भी हैं। And you guys won't believe, मैं जब वो साड़ी पहन कर निकली थी, मोनिश वॉज लाइक वाओ, आई विश मैं उसका फेस रिकॉर्ड करती, बट ही वॉज अबाउट टू क्राई। आप बंगाली छोड़ के किसी और से शादी करो, रिचुअल्स खुद करनी पड़ती है। नाउ इट्स टाइम फॉर द रिचुअल्स। भाई की शादी के व्लॉग्स देखे होंगे तो वहाँ पे भी देखे होंगे ये रिचुअल करते हैं। तो एक्चुअली पति के पैर को दूध एंड पानी से धो के फिर बालू से उसको साफ करना पड़ता है एंड वो जो पानी है वो थोड़ा सा पीना पड़ता है, दैट्स अ रिचुअल। मोनिश के घर में ये सब तो रिचुअल है नहीं और मेरे घर से कोई था नहीं, तो हम दोनों ने सारे रिचुअल किए। वी डोंट हैव भात, सो सो मोनिश को बेसिकली अभी चावल लाना था, जब रिचुअल है तो फुल क्यों नहीं कर रहे। मैगी लव मैगी, सो देयर इज अ रिचुअल इन बंगाली जहाँ पे बोलते हैं भात एंड कपड़े का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, अन्न अन्न खिलाने का और पहनने का। सो आज से के आमी तो मार भात कपड़े दायित्व तो मिला जो This is your gift. This is jewelry. First one. Second one. Watch. जो भी है। हाँ, second one is watch. तो ये है हमारी शादी का gift मेरे तरफ से। Oh God, I'm nervous. वो देखो ना। क्या है? नहीं, ये हाथ का है, करा निकालो, अब यही पहनोगे तो ना, अब ये फॉरएवर छुटकारा। हाँ बेबी, ये चीज के बारे में तुमको बाद में बताऊंगा, बट ये चीज अब तुमने दिया है तो ये पहनूंगा। देखोगे कैसे क्या है? Look at your face. CK. Silver? CK. And that to chain. It's very... you want मैं नहीं खोलूंगा इसको, ये निकाल दूंगा। पहनो तो बाबू, रुको मैं पहनाती हूँ। माथा खराब हो गया था मेरा, ठंडा लग रहा मेरे, क्या लग रहा है? देखो शर्ट खुल रहा होगा ना, मिल सकता था कुछ और पसंद आता है। आज से with lots of love, so cheers to our married life. हम लोग फाइनली अभी जा रहे हैं रायपुर दुर्ग से, क्योंकि आदि को छोड़ना है एयरपोर्ट। बापरी रास्ते में गाड़ी देखो दोनों साइड, और मोनिश बहुत दिनों बाद मेरे ड्राइविंग सीट में बैठा है, देखो। एक घंटे में पहुंच तो गए रायपुर एयरपोर्ट और आदि को बाय बाय किए, ही वॉज ऑल्सो सैड। हम लोग ऑलमोस्ट 10-12 दिन से साथ में मजे कर रहे थे, और ना रास्ते में आते आते हम लोग कार पार्क करके सो गए थे, क्योंकि हम लोग बस 2-3 घंटे सोए थे। और फिर घर आके मैं बनाई मस्त चिकन, नितिन अभी भी है तो मैं सोची क्यों ना चिकन उसको खिला के ही भेजे। और खाने के बाद हम लोग फिर दोपहर को बस स्टैंड गए दुर्ग बस स्टैंड में, और किए नितिन को गुड बाय।
तो मेरे को सपोर्ट लगता है यार, अब मिस करूंगी मैं। तो आज से 25 दिन पहले हमारा मैरिड लाइफ होता शुरू, और मैं आपका 25 दिन लगातार मिनी व्लॉग्स डालती आई हूँ। अगर डिटेल्स में देखना है तो जाओ देखो। इसके बीच हम लोग 3-4 बार गए थे डी मार्ट। किचन में लगी थी चिमनी जो कि मैं विग बिलन डे पे खरीदा था। एंड आई फाउंड समथिंग गार्डन में, ब्यूटीफुली फुल होता है ये जगह। एक्चुअली अभी तक कचरा है, ये मुझे साफ करना है। बट सी दिस इज शिवली गाच, बंगालीज लव्स शिवली, इतना सुंदर स्मेल करता है। हाँ ये वारंटी है क्या? देखो देखो सारा कचरा हो गया, फिर अभी साफ करो। पूरा किचन किया क्लीन एंड उसके बाद हम लोग अनबॉक्सिंग किया हमारे डाइनिंग टेबल। ये भी मैं ऑनलाइन खरीदी थी, सबका लिंक मैं शॉर्ट्स में डालूंगी तो शॉर्ट्स जरूर फॉलो करना। वैसे बहुत ही बढ़िया डाइनिंग टेबल आया है। तो ये है मेरा नया शहर दुर्ग। जब मैं पहली बार आई थी तभी एक नजर में ये शहर से प्यार हो गया था। हम आ गए हैं शॉपिंग करके, और अभी आज रात मैं बनाने वाली हूँ चाउमीन, और मेरे पति परमेश्वर से मैं काम करा रही हूँ वो भी प्याज काटने के, बिकॉज आई डोंट लाइक टू कट प्याज। और ये देखो ये नया लग गया है, सेंसर ऑफ हो गया। और यहाँ पे पानी गर्म कर रही हूँ। अभी गैस तो मैंने खरीद लिया था, ये रहा गैस, पर अभी सिलेंडर वगैरह वो बुक करना पड़ता ना, वो नहीं हुआ है। तो अभी उसे काम चलाओ कर रहे हैं, बस अभी किचन काम चलाओ है। इन फ्यूचर ये किचन बहुत सुंदर दिखने वाला है, लाइक नियर फ्यूचर। हम दोनों बहुत ट्राई किए अच्छा बनाने का, पर ये थोड़ा सा मेरे से गल गया था, और मोनिश को अच्छे से फ्राई करने बोला उससे भी गड़बड़ हो गया। तो दोनों की गड़बड़ी में हमने ये बनाया है, बट इट लुक्स टेस्टी। अंडा चाउमीन, गोला गोला अंडा चाउमीन। आज हम अपने नए डाइनिंग टेबल पे पहली बार डिनर डेट कर रहे हैं। चाउमीन और मेरे लिए नॉन वेज और चिकन है जो मैं बाद में मिक्स करूँगी। हाउ आर यू फीलिंग? गुड वाइब्स। ये सब हम लोग बात करते थे ना फोन में। नहीं, तुम्हारे साथ तो डेट कई बार कर चुका हूँ। यहाँ पे हम लोग बात करते थे कि शादी के बाद डिनर डेट करेंगे, तो दिस इज आवर ऑफिशियली डिनर डेट आफ्टर मैरिज। ये देखो, ये भाई गिफ्ट किया था, फाइनली हम लोग आज ओपन किए। दिखाओ ना कैसे फोन रखते हैं। आई डोंट नो है। ओह माय, मेरे को भी देखना। कुछ नहीं आ रहा क्या बेबी? ये तो टट्टी है। सॉरी अगर तुम्हारा भाई सुन ले ये चीज तो। सॉरी रितु, सॉरी आकाश, बट इट इज नहीं, इट इज व्हाट इट इज। हेलो मम्मी के बाद मेरा भी फेवरेट विशाल होने वाला है। अब ढूंढ ढूंढ के विशाल ढूंढे हम यहाँ पे। आई थिंक ये हमारा तीसरा दिन है कि हम लोग मॉल्स पे आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द डस्टबिन। मेरे को हम लोगों को पसंदीदा डस्टबिन कलर का मिल ही नहीं रहा है। तो मेरे को मेरे घर से ये गिफ्ट मिला था, आई डोंट नो कौन मेरे को गिफ्ट किया है, आई मीन मालदा से गिफ्ट मिला है। यहाँ से तो मेरे को कुछ दिया नहीं है, गिफ्ट मिला भी नहीं, और शगुन के पैसे भी मेरे को मिला नहीं। मेरे को सारे गिफ्ट मेरे मायके से मिल गया, थैंक यू। मेरे को ये चाहिए था। नाइस कलर ब्लू। मैं सोची हूँ यहाँ पे एक शेल्फ टाइप का बनाऊंगी, जब ये मॉड्यूलर बनेगा ना, इधर उधर सारा मॉड्यूलर बनेगा तो यहाँ पे भी बनाऊंगी। तो इस वाले पोल से लग रही है वाईफाई,
मैंने जियो का 100 Mbps वाईफाई लगाया ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप ये वर्क करेगा क्योंकि हमारे उधर तो बहुत ही अच्छा वाईफाई मिलता था। आई एम मिसिंग पंकज काकू। आई डोंट नो, मैं पंकज काकू बोलती थी या पंकज दा, बट आई मिस यू। मैं लास्ट उनको पे किया, मैं 3-3 महीने में पे करती थी, मतलब पुरानी चीज छोड़ के नई चीज एक्सेप्ट करना इज वेरी फकिंग हार्ड। इसके बीच हम लोग गए थे मोनिश के बड़ी मौसी के घर एंड उसके बाद रात को गए थे हमारा फर्स्ट मूवी डेट। फर्स्ट मूवी टुगेदर विद ट्रेनिंग फिनी। इतने बारिश में भी हम लोगों को पानी पूरी खाना। क्या है के हम लोगों को पानी पूरी मिली और वो उसका टेस्ट एकदम कोलकाता वाली फील आई हमें। 2 साल पहले जब आई थी पहली बार तब ये यहाँ पे तब हम फोटो खींचे थे यहाँ पे। ये जगह पे आए और पुणे गया था, बोला टिकट फुल हो गया है 1 घंटे बाद। यहाँ आप पुणे गया था 1 घंटे बाद का टिकट फुल और 9:30 वाला स्टार्ट हो चुका है क्योंकि 10:30 बजे है। तो अभी PVR में आए थे, अब तो ऐसा लग रहा है मूवी देख के घर जाना है, चाहे कहीं भी देख लो, छोटा मोटा हॉल भी चलेगा। अगर नहीं ये पकड़ पाए तो अभी भी काटेंगे। इसका एक दोस्त भी जाने वाला था, हम लोगों ने कैंसिल कर दिया कि हमारे शादी के बाद का पहला मूवी तो साथ में हम दोनों जाएंगे करके। और मुझे ऐसा लग रहा है उसका श्राप लग गया हमें, वो भाग रहे अभी 9 मिनट में, पता नहीं दुर्ग पहुंच पाएंगे कि नहीं। बिलाई से बोला था टिकट काट लो। देख रहे हो नसीब देखो, जब मूवी नहीं है एनिमल देखने नहीं लगा, ट्रैफिक में इतना जल्दी जल्दी होकर ट्रैफिक में फंस गए हम लोग, छूट गई मूवी फिर से। इतने मेहनत के बाद फाइनली हम लोग एनिमल मूवी पहले डेट पे देखे थे। बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रहा था ये पूरा महीना, ये तो नहीं बोलूँगी, बट उसमें बहुत सारे प्यार थे, थोड़े बहुत नखरे मेरे और थोड़ा सा झगड़ा, सब मिला के हम लोग बहुत अच्छे अच्छे दिन बिताए। गेमिंग रूम पूरा सेटअप किया अपने हाथों से, कपड़े टांगने की जगह बनाए, मोनिश के दोस्तों को अपना दोस्त बना लिए और घर में किए बहुत सारे पार्टी और बहुत सारे फन। खुद खाना बनाना पड़ रहा था खुद का और इसके साथ साथ फैट भी हो जा रही थी, लेकिन प्यार और पानी पूरी चलता रहा। 15-20 दिन बीत जाने के बाद मोनिश का काम शुरू हो गया क्योंकि क्रिसमस वगैरह आने वाला है, तो मोनिश अपने काम पे चला जाता था, 2-3 दिन नहीं आता था, तो मैं हो जाती थी बोर। तो मैं सोचा क्यों ना मैं मोनिश के साथ काम पे जाऊँ और मैं गई भी काम पर। घर में फोटो फ्रेम्स वगैरह लगाए, थोड़ा सा डेकोरेशन तो करना पड़ेगा एंड घर और ज़्यादा सुंदर दिखने लगा जैसे जैसे मैं फ़ोटोज़ लगाना स्टार्ट किया। अच्छे से सेटल होने के साथ साथ मैं अपना स्ट्रीमिंग ब्लॉग पोस्ट एंड ब्लॉग एडिट्स चलाती आ रही थी। मोनिश के कज़न का बर्थडे था तो फैमिली फंक्शन भी मैं अटेंड किया और बहुत ज़्यादा मज़ा किया और मुझे पहली बार पता चला वेज फूड भी काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस होते हैं। और 2 दिन लगातार मैं मोनिश के काम पे उसके साथ थी और मैंने पूरा काम थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश भी की और मैं गाड़ी में सोया भी, तो ये एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। इतने दिन क्या हुआ पूरा तो बता दिया, अब से डेली व्लॉग्स आएंगे, नेक्स्ट आएगा क्रिसमस व्लॉग एंड आने वाला है हनीमून व्लॉग्स, डोंट मिस इट आउट। प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, जो लाइक एंड डू सब्सक्राइब, कमेंट में बताओ कैसा लग रहा है मेरी लाइफ। बाय।